ठीक है, इसी इक्वेशन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं ई वाई बराबर माइनस ए एक्स को उधर भेज, और अब वाई बराबर माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, क्या कोई दिक्कत? तो यह लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो यह भी ओरिजिन होगी, क्या कैलकुलेशन है, यह भी कहां से पास करेगी, कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाए। अब यहां पर माइनस ए बाई बी को हम एक नया कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, कैसे, ए कोई राशि है और बी एक दूसरा राशि है, ए से बी, बी से ए में क्या है, भाग है, सपोज कीजिए ए छ है और बी तीन है, छ बटा तीन होगा, एक नया कॉन्स्टेंट आएगा ना, तीन जब दो कॉन्स्टेंट में गुना होगा तो एक तीसरा कॉन्स्टेंट नया आएगा, जैसे दो गुना तीन क्या जाएगा, उसी तरह छ बटा तीन क्या जाएगा, तो हम और इसको एक नया कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, सेम पूरा हम मान लेते हैं ए बाई बी का कैलकुलेशन कितना आ गया, कोई दिक्कत, तो वाई अरे भाई माइनस जो आया उसी को हम ये मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, संसार बराबर उसे मान लेगा नहीं, जो माइनस है हम सबको सहते हुए एक के बार मान लिए कौन सी, तो ये वाई बराबर एम एक्स आ गया, क्या आया, तो ये कैसी लाइन है, कहाँ से पास करेंगे, कैसे पहचान देगा, इसमें कॉन्स्टेंट तो ठीक है, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन का, ठीक है, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन